महाबलेश्वर, महाबलेश्वर सब भगवान की मान शक्ति को दर्शाता है। महाबलेश्वर नाम अपने आप में भगवान महादेव को समर्पित है। एक हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित है। ये हिल स्टेशन मुंबई से करीब 230 किलोमीटर और पुणे से करीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाबलेश्वर अपने सुखद मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन मंदिरों और अनेक खूबसूरत नज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ की स्ट्रॉबेरी बहुत फेमस है, तो आप जब भी यहाँ आओ स्ट्रॉबेरी क्रीम जरूर ट्राई करें। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से फरवरी। यहाँ फैमिली व दोस्तों के साथ 3 से 4 दिन का वैकेशन प्लान कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाबलेश्वर। तो हम लोग आए हैं महाबलेश्वर। आज एक्सप्लोर करेंगे महाबलेश्वर को, एक एक पॉइंट आज जितना हो सके हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग का 3 डेज का यहाँ टूर है, तो कंप्लीट आपको हम लोग सारी जानकारी देंगे। हम लोग कहाँ घूमें, कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ नहीं घूमना चाहिए, हम लोग सारी जानकारी आपको देंगे। एक तो अभी जा रहे हैं महाबलेश्वर के कुछ पॉइंट्स, उसको एक्सप्लोर करने। चलो चलते हैं, आपको वहीं मिलता हूँ। गाइस, मैं महाबलेश्वर मार्केट से बाहर आ चुका हूँ और सामने आप ये बोर्ड देख सकते हो। यहाँ से आप प्रतापगढ़ किले के लिए अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। 19 किलोमीटर यहाँ से उसका डिस्टेंस है। और सामने आप ये एक बोर्ड और देख सकते हो, मुंबई पॉइंट्स लिखा है। वो एक्चुअली सनसेट के लिए ज़्यादा फेमस है। उस पॉइंट को हम आज एक्सप्लोर करेंगे शाम को 5:30 बजे के बाद। तो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं सीधा महाबलेश्वर मंदिर, जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर हैं। तो आज के हमारे जो भी पॉइंट हुए वो सब 10 किलोमीटर के अंदर में होंगे और हम लोग आज लगभग 13 से 14 पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले चलते हैं महादेव जी के मंदिर। तो अभी सामने आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया हमारा ये एंट्री गेट। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं एंट्री गेट पे। तो यहाँ से हम लोग करेंगे अंदर एंट्री और हमारे आज के जो पॉइंट है सारे 6 पॉइंट उसको हम लोग करेंगे कवर। तो गाइस, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है महाबलेश्वर टेम्पल। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं महाबलेश्वर मंदिर में। तो ये मंदिर की विशेषता यही है कि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थापित है वो लगभग 5000 साल पुरानी शिवलिंग है और ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हो। तो आप लोग जब भी महाबलेश्वर आओ तो ये मंदिर ज़रूर आना। पंचगंगा मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर के जस्ट सामने ये पंचगंगा मंदिर है, तो यहाँ पे आप दर्शन ज़रूर करें। महाबलेश्वर मंदिर और पंचगंगा महादेव जी का मंदिर है और पंचगंगा यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है, इसलिए ये पंचगंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ 5ों नदियों का पानी मिलकर नंदी के मुख से निकलता है, जो कि बहुत पवित्र पानी माना जाता है। यहाँ से पवित्र जल अपने घर भी आप बॉटल में भरकर लेके जा सकते हो और हमने भी ले लिया। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 3 मंकी हिल। तो यहाँ से अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो 3 मंकी हिल क्या है। तो चलो देखते हैं, अभी यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये रोड के जस्ट बाजू में ही है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। सावित्री पॉइंट फिलहाल बंद है तो हम लोग अंदर नहीं गए, तो अभी चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस, नेक्स्ट है तर्सिस्ट पॉइंट, अभी चलते इसके अंदर। खाने पीने की चीजें हैं यहाँ पे बहुत सारी। Thank you.
आपकी आवाज आपको वापस सुनाई देगी। देख रहे हैं सबके नज़ारे एक से बढ़कर एक है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हर जगह। सात आठ पॉइंट कवर कर दिए, मेरे पीछे आप देखोगे इतना अच्छा लोकेशन है, प्रकृति का बहुत ही शानदार नज़ारा। लुक एट दिस, तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आर्थर सीट पॉइंट। आर्थर मालेट के याद में बनाया गया था। सावित्री नदी में एक नाव हादसे में उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे खो दिया था। उस हादसे के बाद उनकी हर शाम अपने बीवी और बच्चे की याद में यहीं बैठकर बीतती थी, इसलिए आर्थर सीट पॉइंट बनाया गया है। और यहाँ से व्यू देखता है, इस तरह से देख सकते हो आप महाराष्ट्र के बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़। अभी हम वो पॉइंट से अभी रिटर्न आ गए, यहाँ से अभी सीधा लेंगे एनपी स्ट्रीट पॉइंट, फिर एक नए लोकेशन के साथ एनपी स्ट्रीट पॉइंट। सारे पॉइंट कवर कर दिए और लास्ट हम लोग का बचा है अभी बॉम्बे सनसेट पॉइंट, तो उधर जाएंगे और आज का दिन का जो टूर है उसको ख़त्म कर देंगे। तो चलो अभी आपको वहीं मिलते हैं सनसेट पॉइंट, ठीक है। तो गाइस हम लोग एंट्री गेट से जैसे बाहर निकले तो सामने एक बोर्ड लगा दिखा था, तो उस पर कैट्स पॉइंट लिखा है। तो एक्चुअली कैट्स पॉइंट यहाँ से थोड़ा दूर है, तो हाँ अभी सनसेट के लिए काफ़ी टाइम बचा है, तो हम लोग अभी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी गार्डन है, तो स्ट्रॉबेरी गार्डन जाके आते हैं, फिर चलते हैं सनसेट पॉइंट। आप भी यहाँ आ सकते हो। वेलकम टू स्ट्रॉबेरी गार्डन। स्ट्रॉबेरी की खेती इस तरह से होती है, देख सकते हो आप। हर जगह नहीं मिलती ये चीज़, सिर्फ इधर ही मिलती है महाबलेश्वर में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बहुत होती है। अभी यहाँ सामने देख सकते हो स्ट्रॉबेरी की खेती है, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, स्ट्रॉबेरी ये खा रहे हैं। सनसेट पॉइंट